हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मोडी। मैं हूं परी और आज की रेसिपी है कचौरी सत्तू की और ढाबे स्टाइल आलू की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सत्तू की कचौरी बनाने के लिए हमने यहां पे सत्तू लिया है। सत्तू हमने 2 कप लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया खूब ढेर सारा, और इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, आधी प्याज डालेंगे और आधी प्याज हम बचा लेंगे सब्जी में डालने के लिए, और आधी लहसुन भी बचाएंगे सब्जी में डालने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 गांठ लहसुन लिया है, तो आधी लहसुन की कलियाँ को हमने बारीक कट करके डाल लिया है सत्तू में। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, हम यहाँ पे 1 नींबू का रस पूरा डालेंगे। इससे सत्तू में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अब हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक डालूँगी। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल लेंगे चाट मसाला पाउडर। आप इसके जगह पे अचार भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास आम का अचार हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या मिर्ची का अचार भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच के बराबर। अब अच्छे से हम हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, बढ़िया इसे मिला लेना है। और आप इसमें चाहें तो कलौंजी भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। इससे भी सत्तू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमने सत्तू को रेडी कर लिया है स्टफिंग के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम बढ़िया बन के ये रेडी हो गया है, देखिए। तो चलिए अब आटा लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 कप गेहूँ का आटा लिया है। आटा को मुलायम अच्छे से हम गूँथ लेंगे, और इसमें डाला है कलौंजी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक, और इसमें हम डालेंगे घी 2 बड़े चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे और हाथों से मसलते हुए सारे घी को हम आटा में लगा लेंगे। मोइन लगा लेने से कचौरी बहुत ही अच्छा बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, तो मोइन ज़रूर लगाएं, इसे स्किप ना करें। अब थोड़े थोड़े पानी डालते हुए हम आटा को अच्छे से गूँथ लेंगे और इसका डो बना लेंगे। मोइन आप घी से भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से भी लगा सकते हैं, लेकिन मोइन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे कचौरी टेस्टी बनती है, क्रिस्पी बनती है, लेकिन अगर आप घी से लगाते हैं तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है कचौड़ियों का। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम डो बना लेंगे। डो हमें बहुत टाइट नहीं करना ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है, हम मीडियम रखेंगे, बहुत टाइट सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें आटा लगा लेना है, डो बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा आटा लग गया है, अब इसे हम ढक देंगे, रेस्ट होने देंगे 15 मिनट, तब तक हम सब्ज़ी बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, इसमें हम डाला है हमने 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, साथ में ही हम लहसुन भी डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है इनका कलर चेंज होने तक। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता 2, हमने इसमें तेज पत्ता डाला है, 2 लाल मिर्च डाला है, इन्हें भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने इसमें डाला गरम मसाला पाउडर, हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच ये 1 चम्मच हमने इसमें डाला है सब्जी मसाला पाउडर। अब इन मसालों को हम फ्राई करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जिससे मसाले हमारे जले नहीं, और इन्हें अच्छे से हमें पका लेना है। तो मसालों को अब चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सब्जी के मसाले हमारे अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया था, उसे पीसेस पे हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मसाले एकदम रेडी हो गए। अब हमने आलू को ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने आलू को पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। आलू को भी अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब आलू को भी हम अच्छे से मसालों के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पे आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ में ही। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया। अब अच्छे से फिर से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस हम ज़रा सा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे ऊपर में। अब इसे अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे, चला लेंगे। मसाले हमारे ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हम हल्का गर्म करके इसमें डालेंगे। पानी हम डालेंगे छोटे गिलास से डेढ़ गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे, एक ही बार में पानी नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी डालेंगे। पहले पानी डालेंगे, मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला और मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। लगभग हमें डेढ़ गिलास के बराबर इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फिर से एक बार चला लेंगे। तो देखिए सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो ये हमारी कचौड़ी वाली सब्जी बनके रेडी हो गई। तो इसमें हम ऊपर से नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी कचौड़ी वाली ढाबा स्टाइल सब्जी बनके रेडी हो गया है। तो हमने इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने दिया है, जिससे हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनके रेडी हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा सा रब करके हम इसमें डाल लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है। आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना भी डालें। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बनके बढ़िया रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल लेते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बढ़िया बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में ही। तो कसूरी मेथी को आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म करके डाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हाथों में रफ करके कसूरी मेथी को डाल लिया है। और अब सब्ज़ी को हम अच्छे से ढक देंगे। अब चलिए हम कचौरी बना लेते हैं। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, तो हम यहाँ पे कचौरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक कढ़ाई में हमने गर्म तेल होने दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो अब हम चलिए कचौरी बना लेते हैं। तो एक बार हम आटा को अच्छे से मसल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने एक मिनट आटा को फिर से अच्छे से मसल लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लोई काटेंगे, हाथों में लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे हाथों में लोई ले लिया है। इसे अच्छे से हम मसल लेंगे, थोड़ा सा सेट कर लेंगे। हाथों से अच्छे से इसे घुमाते हुए हमें इसे गोल सा बना लेना है। हाथों में अंगूठे के स्पेस से हम इसे कटोरी की तरह बना लेंगे घुमाते हुए। तो देखिए हमने यहाँ पे घुमाते हुए इसे कटोरी की तरह बना लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। जो हमने सत्तू स्टफिंग तैयार कर रखा है, तो हमने यहाँ पे स्टफिंग को अच्छे से कर लिया है। अब जो बचे, अब इसे घुमाते हुए हमें अच्छे से बंद कर लेना है। तो थोड़ा सा जो आटा बच रहे हैं उसे हम बाहर निकाल लेंगे और हाथों से दबाते हुए हमें इस तरीके से बना लेना है। अब इसे हम बेलन से हल्का हल्का सा, एकदम हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे कचौरी की तरह। तो देखिए बस इतना ही छोटा रखेंगे हम इसे।
तो एक कचौरी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब चलिए इस तरीके से हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो जितना आप लोई अपने हिसाब से काटें, जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से लोई ले लें। अंगूठी के सहारे से हम इसमें कटोरी की तरह बना लेंगे। दोनों साइड से घुमाते हुए इसमें हम सत्तू स्टफिंग कर लेंगे। तो जितना आपको स्टफिंग करना है आप उतना ही इसमें करें, ज़्यादा ना भरें। दोनों हाथों से घुमाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे और देखिए एक्स्ट्रा आटा हम इसमें से निकाल देंगे। दोनों हाथों से इसे दबा लेंगे, पूरी की तरह बना लेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलते हुए हम कचौरी की तरह बना लेंगे। बस इतना ही छोटा हम इसमें रखेंगे। आप चाहे तो साइज़ इसका अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम जितनी भी कचौरियाँ हैं उनको बना लेंगे। सत्तू की कचौरियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा आराम से बन के रेडी भी हो जाता है और खाने में सुपर यम्मी लगता है। तो देखिए हमारी तीसरी भी कचौरी बन के रेडी हो गया है। देखिए चलिए हम हाथों से कचौरियों को बनाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा आराम से बन जाता है, बहुत ही आसान है बनाना। तो बस इसी तरीके से हम हाथों से घुमाते हुए इसे कटोरी की तरह बना लेंगे। इसमें हम स्टफिंग करेंगे और दोनों हाथों से इसे घुमाते हुए हम बंद कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा आटा है इसमें उसे हम निकाल लेंगे और दोनों हाथों से दबाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे और अपने हाथों से दबाते हुए इसे कचौरी की तरह बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फिंगर से इसे साइड साइड से बनाते हुए घुमाते हुए हम बना लेंगे कचौरी। तो देखिए हमारी हाथों से भी कचौरी बन के रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से हम हाथों से भी कचौरियों को बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं हाथों से कचौरी को बना के आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम स्टफिंग कर लेंगे और अच्छे से दोनों हाथों से दबाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे इसमें से, हाथों से दबाते हुए इसे बंद कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अब हाथों से दबाते हुए हथेलियों पे इसे हम घुमाते हुए कचौरी की तरह बना लेंगे। तो देखिए हमने हाथों से दो कचौरियाँ बना के आपको दिखा दिया। अब चलिए हम इसे तल लेते हैं। तो हमारा यहाँ तेल भी गर्म हो गया है। तो एक बार हम छोटा सा टुकड़ा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब एक एक करते हुए हम कचौरियों को डालेंगे अंदर। तो जितना कढ़ाई में आ जाए हम उतना कढ़ाई में कचौरियों को डालेंगे और अच्छे से इसे दोनों साइड में हम पका लेंगे। तो जब हम कचौरियों को डालें तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब एक तरफ ये अच्छे से सिक जाए तो फिर हम दूसरी तरफ इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए एक तरफ ही अच्छे से सेक किया है, हम इसे दूसरी तरफ अच्छे से कर लेते हैं और इसे अच्छे से दूसरी तरफ भी हम इसे सेकने देंगे। तो इस वक्त हमने गैस का फ्लेम लो रखा है। लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी खस्ती बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गया। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसे हम एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। तो सारी कचौरियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए कचौरियों का कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो बाकी की जो बची कचौरियाँ हैं हम उन्हें भी तल लेते हैं। तो देखिए हमारी कचौरियाँ यहाँ पे कितनी क्रिस्पी खस्ती सी यम्मी सी बन के रेडी हो गया और खाने में सुपर यम्मी लगता है ये कचौड़ी। एक साइड देखिए कचौड़ियाँ अच्छे से पक गई है, हम दूसरे साइड से कर लेते हैं और दूसरे साइड से लो फ्लेम पे अच्छे से हम पकने देंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब चलिए गर्मा गर्म कचौरियों को सर्व कर लेते हैं। कचौरियों को अच्छे से सर्व कर लेते हैं सब्जी के साथ में। तो ये भी यहाँ पे हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गया है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे कचौरियाँ बन के रेडी हो गई है। तो आज की आपको सत्तू की कचौरी और ढाबे स्टाइल आलू की सब्जी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो
मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।